दोस्तों नमस्कार, आज का हमारा वर्ड है वेंजेंस, VENGEANCE, वेंजेंस, जो कि एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है द एक्ट और फीलिंग ऑफ पनिशिंग और हार्मिंग अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग टू यू और योर फैमिली, यानी एक ऐसे इंसान को दंड या सजा देने का काम, दंड या सजा देने की भावना जिसने आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ कुछ गलत किया है, कुछ दुराचार किया है। आम बोलचाल में हम इसे प्रतिशोध या बदला या बदले की भावना कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं प्यारे दोस्तों रिवेंज, रेट्रीब्यूशन। इसके एंटोनिम्स होते हैं फॉरगिवनेस, रिमिशन, पार्डन। एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लीजिए, बदले की भावना ने उसको पागल कर दिया, आप इसे बोलेंगे vengeance made him out of senses, vengeance made him out of senses। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, बदले की भावना के कारण वह सो नहीं पाता, आप इसे कहेंगे he is unable to sleep due to vengeance, he is unable to sleep due to vengeance। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, क्या बदले की भावना रखना सही है? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।